आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं द मिरर ऑफ कश्मीर। मैं आपकी मेज़बान शाइस्ता हूँ। नाजरीन, आपको बताओ, अभी का जो दौर है, अभी कश्मीर में जो है मॉडर्नाइजेशन आ रही है। मॉडर्नाइजेशन हर लिहाज से आ रही है और यहाँ का जो कल्चर है वो पीछे पीछे जा रहा है। जैसा कि यहाँ पे पहले फेरन था, आजकल जो आजकल के नौजवान है वो फेरन भी नहीं लगाते। कांगड़ी थी, वो कांगड़ी की जगह अब रूम हीटर्स और वाटर बॉटल्स ने ले लिए। इसी तरह हमारा जो एक आर्ट था, एक फन था हमारे बुजुर्गों के पास, जो कि आगे नौजवान ले जा सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो नौजवान है उनका रुझान जो है दूसरे शोबों की तरफ है। आइए मजीद हम आपको आज ऐसे एक शख्स से मिलाते हैं जो कि वेल एजुकेटेड होने के साथ साथ अपना जो उसका स्किलफुल हैंड है वो मिट्टी के बर्तन जो है मिट्टी के बर्तन बनाते। आइए मजीद हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो सर, पहले आपका वेलकम है हमारे चैनल में। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, तो सर आप हमें ये बताइए कि आपका जो ये स्किलफुल हैंड है, आपके हाथ में जो ये हुनर है, आप इस हुनर को एक खूबसूरत मुजस्मे की शक्ल देते हैं, चाहे आप वो यूटेंसिल्स बनाते हैं या आप दिए बनाते हैं, तो आप हमें बताइए आपका रुझान इस काम की तरफ कब चला गया? जी, जो ये बिजनेस है ये हमारा फैमिली का बिजनेस है। मेरा दादा भी यही काम करता था, उसका पापा भी, फादर भी उसका यही काम करता था, मेरा फादर भी यही काम करता था। मैंने भी अपने फादर से ये सीखा, 8 साल से मैं सीखता रहा, क्योंकि तो मैं पढ़ाई भी करता और इसकी तरफ ध्यान भी देता था, और इसी को मैंने अपना रोज़गार बनाया। क्योंकि ये आर्ट बन ख़त्म होता था कश्मीर में, तो पोल्ट्री का आया था, प्लास्टिक आइटम ज़्यादा आया था और इसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। अब हमारा रोज़गार बहुत अच्छा चलता है इससे। सर, जैसे कि कहा जाता है ये जो मिट्टी के बर्तन हैं इनसे कोई हैज़र्डस चीज़ नहीं होती है, ये पूरा ज़मीन मिट्टी से बनता है, ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है, तो आपका क्या कहना है इसके रिलेटेड? जो इंसान होता है वो मिट्टी का बना होता है, हम मिट्टी से ही अपना रिज़्क निकालते हैं और उसी से हम और अपना रोज़गार चलाते हैं। क्योंकि जब मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उनकी डिमांड कम हो गई थी कश्मीर में, क्योंकि ऐसे कुछ प्लास्टिक का स्टील मटीरियल आया था, बहुत ज़्यादा कश्मीर में आया था और इनकी डिमांड कम हो गई थी कुछ सालों से। मगर जब लोगों ने देखा, क्योंकि हम प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा करते हैं, बीमारी ज़्यादा आने लगी, तब से लोगों ने प्लास्टिक को कम यूज़ किया और 50% लोग ने कम यूज़ किया अभी प्लास्टिक। अभी 50% और लोग करते हैं प्लास्टिक का यूज़। मैं भी 4-5 साल में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि लोग प्लास्टिक का यूज़ करना छोड़ेंगे और पोल्ट्री की तरफ ध्यान देंगे। क्योंकि उसमें सुन्नत है, जिसमें हम खाना खाते हैं उसमें सुन्नत है। बर्तन जो होता है मिट्टी का बना हुआ, गिलास, कप, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो होती है, इसलिए हमने बनाए हैं दूसरे दूसरे आइटम। क्योंकि जिसमें खाना पकाते हैं, राइस कुकर जिसे बोलते हैं, ये बंटन जिसे बोलते हैं, जिसमें खाना बनाते हैं, वो पहले स्टील का आता है, हमने मिट्टी का बनाया। उसमें 100% प्योर होता है, वो जो स्टील का होता है, अदर इसका होता है, उसके केमिकल साथ होते हैं जब यूज करते हैं, उसके ऊपर हीट होते हैं, केमिकल तो निकलेगा ही उसका, जो इसके साथ होगा जिससे बना होगा। जो मिट्टी का होता है ये पहली आग से ही तैयार होता है, आग में पूरा जल कर होता है और उसके बाद ये तैयार होता है। इसको बिल्कुल भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है जो मिट्टी का बर्तन होता है। तो सर आप हमें बताइए, ये जो मिट्टी का एक बर्तन है, चाहे वो मटका हो या चाहे वो ग्लास हो या चाहे वो कुछ भी हो, उसको तैयार होने में कितना टाइम लगता है और इसका क्या प्रोसीजर होता है? जी, जो ये मिट्टी होती है हमको बड़गाम से लानी पड़ती है, बहुत दूर से लानी पड़ती है, क्योंकि ये जो मिट्टी होती है ये एक माउंटेन को होती है 2.5 फुट के अंदर, इसका मॉइस्चर अच्छा होता है, वही मिट्टी हमको इसके लिए लानी पड़ती है। इसको जो कंकट होते हैं, पत्थर वत्थर होते हैं, वो इसके साथ नहीं होते, ये हमको बड़गाम से लानी पड़ती है और फिर उसको सुखाते हैं, फिर तोड़ते हैं, उसके बाद छानी करते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं, पानी के साथ मिक्स करते हैं और हाथ से तैयार करते हैं। जब तक इसका मॉइस्चर अच्छा नहीं आएगा तब तक इसके ऊपर काम करते हैं हम, क्योंकि जितना अच्छा मॉइस्चर इसको आएगा उतना अच्छा बर्तन बनेगा। क्योंकि जो खाने का बर्तन होता है वो जब जिसमें खाना खाते हैं वो सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, उसमें मज़ा आता है खाने में, तभी हम इसके ऊपर मिट्टी के ऊपर बहुत काम करते हैं। तो सर आप हम बताइए, ये जो मिट्टी का बर्तन है जब आप ये बनाते हैं उसको आग में कितने टाइम पकने के लिए रखना पड़ता है? इसको आग में रखना पड़ता है, पहले दिन अगर हम सुबह इसमें रखेंगे, भट्टे में रखेंगे, तो एक दिन के लिए इसको थोड़ी सी हीट रखनी पड़ती है, एक 1.5 दिन तक हीट रखनी पड़ती है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी हीट ज़्यादा ज़्यादा होती है और लास्ट के 2 आवर्स में इसको आग जलानी पड़ती है और कल सुबह उसको निकालते हैं और तैयार होता है। तो जैसा कि आप कह रहे हैं ये आपके फोर फादर्स का बिजनेस है, तो आपने बचपन में देखा होगा कि कितने ऑर्डर्स आते थे, क्या उसमें कमी आई है या ज़्यादा है? जी, जो मेरा ग्रैंड फादर था वो बड़े बड़े बर्तन बनाते थे, उनकी डिमांड उस टाइम वही थी, क्योंकि जब प्लास्टिक का यूज़ हुआ था और इसकी डिमांड कम हो गई थी, हमने दूसरे आइटम बनाए, जैसे खिलौने के आइटम बनाए थे, उनके ऊपर काम करते थे ज़्यादा। अब दौर वापस आ गया, जो पहले दौर था मिट्टी के बर्तन ज़्यादा यूज़ करते थे, क्योंकि जो मिट्टी में जिसमें ये
जो होता है ना ये, बर्तन। नहीं, जो मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें ये चावल चावल वावल पकाते हैं, हाँ, जिसमें चाय बनाते थे पहले, उसमें बनाते थे चाय, जो उसमें रखते थे उसी में तैयार करते थे, यूटेंसिल्स। हाँ, उसमें तैयार करते थे। उसके बाद इसका इसकी डिमांड बहुत कम हो गई थी, लोगों ने स्टील और प्लास्टिक उसका यूज़ किया था ज़्यादा। और जब लोगों ने देखा इसकी डिमांड डिमांड हमारी कम थी, तो तब से हमारी डिमांड बहुत अच्छी है, क्योंकि इसकी डिमांड अब ज़्यादा बढ़ने लगी। लोगों ने जब देखा कि इस पोल्ट्री के आइटम विदाउट साइड इफेक्ट है, तो हमारी डिमांड तो बहुत सर अच्छी आपने है। हमें बताया आपको G20 से भी ऑर्डर आया था, क्या लगता है आपको एक पुशअप मिला उस ऑर्डर से? जी, जो G20 की सबमिट हुई थी उसमें हमने पार्टिसिपेट किया, हमने अपने प्रोडक्ट जो है डिस्प्ले किए थे। उस टाइम मीडिया बहुत ज़्यादा आई थी, और उस टाइम में हमको बूस्ट एक मिला, जो मीडिया में जो पोल्ट्री के आइटम थे वो हाईलाइट हुए, और लोगों ने प्लास्टिक का छोड़ा और मिट्टी के बर्तन ज़्यादा यूज़ करने लगे। तो सर आप एक यूथ है, तो जो भी यूथ हो जो अपना कल्चरल हेरिटेज जो है उसको कायम रखना चाहते हैं, कुछ ऐसा काम जरूरी नहीं वो ये मिट्टी के बर्तन बनाने हो, चाहे वो कांगड़ी का हो या कुछ भी हो, या वो आर्ट वर्क हो जैसे फेरन शिकारा या कोई, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए यूथ? जी, मेरी मैसेज यही रहेगी, क्योंकि जो दिन गया वो नहीं फिर वापस आता है। जल्द से जितना जितना जल्द हो सके अपने अंदर टैलेंट देखिए, और उस टैलेंट के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि जो आपके अंदर टैलेंट है वो किसी और के अंदर नहीं होगा। क्योंकि इसके बिजनेस की तरफ नहीं, जो प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, जिसमें प्रॉफिट अच्छा होगा, लोग बातें करेंगे आपके ऊपर, बहुत बातें करेंगे, वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, अपनी आर्ट की तरफ ध्यान देना है। क्योंकि जब अपने अंदर के आर्ट को आप देखोगे, उसके बाद आप खुद ब खुद सक्सेस अपने अंदर देखोगे, मेरे पास ये आर्ट है और उसमें कामयाबी हो। इसको लगता है, टाइम लगता है, क्योंकि एकदम से बूस्ट नहीं करता है, इसको कम से कम 2-3 साल लगते हैं आगे आने में। जब भी आगे आता है फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। तो नाजरीन जैसा कि आपने देखा होगा हमारे साथ अभी उमर कुमार थे, जिनका ये कहना है कि ये जो उनका बिजनेस है ये उनके फोर फादर्स का है, और वो और जब ये यूथ थे तो इन्होंने चाहा कि जो हमारी कश्मीर की हेरिटेज है हम बनाते, जैसे कि पहले ज़माने में एक पानी का यूटेंसिल होता था जिसको कश्मीरी में नोट कहते हैं, उसमें पानी रखते थे, उसका पानी जो है ठंडा रहता था। फिर वक्त जैसे ही गुजरता गया तो यहाँ पे प्लास्टिक आया, स्टील आया, जिसकी वजह से जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, और जब लोगों को अब ये समझ आए कि मिट्टी का बर्तन जो है वो हमारी सेहत के लिए मुफीद है, तो लोगों का रुझान इसी तरह फिर से बढ़ रहा है। ऐसी मजीद खबरें देखने के लिए बने रहे दमर ऑफ कश्मीर के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह निगहबान। और पता नहीं था।